चंदनपुर नाम के एक गांव में एक सेठ रहा करते थे जिनका नाम जयंती लाल था। जयंती लाल एक बहुत ही ईमानदार और दयावान इंसान थे। एक दिन जयंती लाल रास्ता भटक गए और चलते चलते एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। अरे ये मैं कहां आ गया? यहां तो दूर दूर तक कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। धत तेरे की, लगता है मैं रास्ता भटक गया हूं। बाप रे बाप, इतनी गर्मी है और ऊपर से यहां दूर दूर तक ना तो कोई कुआं है और ना ही कोई नल। मेरी तो प्यास के मारे हालत खराब हो रही है। तभी जयंती लाल को कुछ दूरी पर एक पेड़ दिखा और उस पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। हाँ, वहां पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई दे रहा है। ऐसा करता हूं, मैं उससे जाकर मदद मांगता हूं। जयंती लाल उस आदमी के पास पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। अरे, इस आदमी को क्या हुआ? जयंती लाल जमीन पर पड़ा था। मदहोशी की हालत में उसके मुंह से बार बार एक ही शब्द निकल पा रहा था। पानी, पानी, पानी। लगता है इन भाई साहब को प्यास की वजह से चक्कर आ गया है। पर ये इतनी गर्मी में इस मैदान में क्या कर रहे थे? पानी, पानी दो मुझे, पानी। अरे हाँ, इनको जल्द से जल्द पानी पिलाना होगा। भाई साहब, आप थोड़ी सी हिम्मत करके उठ जाइए और इस पेड़ के नीचे बैठ जाइए। मैं कहीं से पानी का इंतजाम करके लाता हूँ। महेश जयंती लाल को पेड़ के नीचे बिठा देता है। जयंती लाल की हालत खराब और बार बार एक ही शब्द बोल पा रहा था। पानी, पानी दो मुझे, पानी। जी, आप यहीं बैठे रहिए, मैं कहीं से पानी लेकर आता हूँ। महेश बहुत दूर तक घूमता है और आखिरकार उसको पानी मिल जाता है। पानी लेकर महेश जयंती लाल के पास आ जाता है। ये लीजिए भाई साहब, पानी पी लीजिए। पानी पीकर जयंती लाल में थोड़ी बहुत जान आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अगर आज तुम मुझे पानी नहीं पिलाते तो मेरी जान चली जाती। जी, पर आप इतनी गर्मी में इस मैदान में क्यों घूम रहे हैं? अरे वो मैं रास्ता भटक गया हूँ और चलते चलते इस मैदान में आ गया हूँ। भाई साहब, यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बंजर मैदान ही है। हाँ, थोड़ी दूर पर एक गांव है चंदनपुर। हाँ 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 हाँ, वही, मुझे वही जाना है, पर मुझे वहां का रास्ता नहीं पता। जी चलिए मेरे साथ, चिंता की कोई बात नहीं, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। जयंती लाल महेश के साथ चल देता है। चलते चलते दोनों में बहुत सारी बातचीत होती है। अरे भाई, मैं तो रास्ता भटकने की वजह से यहाँ आ गया, पर तुम इस कड़ी धूप में यहाँ बैठकर क्या कर रहे थे? असल में मैं बहुत ज्यादा तनाव में रहता हूँ, आजकल सबसे दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक मुझसे कोई जवाब मांगने वाला नहीं है। कैसा तनाव, और किसको कौन सा जवाब देना है तुम्हें, है? असल में मैं बहुत ज्यादा कर्जे में हूँ, मेरा परिवार बहुत गरीब हो चुका है
और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। अब इन सब की जिम्मेदारी का बोझ मुझे अंदर से खाए जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ इस पेड़ के नीचे आकर अकेला बैठ जाता हूँ। यहाँ मुझे थोड़ी राहत मिलती है। तुम्हारी हालत सच में बहुत खराब है, पर तुम चिंता मत करो। तुमने आज मुझे सहारा देकर मेरा दिल खुश कर दिया है। अब तुम्हारी सारी समस्याएं मेरी, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, है ना? चिंता मत करो। नहीं नहीं भाई साहब, मैं इस तरह से धन नहीं ले सकता। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा करें कि मुझे कोई काम दे दे, मैं मेहनत करके अपनी सारी समस्या खुद सुलझा लूंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम्हारे जैसा उसूलों वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम आज से मेरे लिए काम करोगे, हम बहुत खुश हुए तुमसे मिलके। जिस तरह का आदमी तुम लग रहे हो, मुझे यकीन है कि तुम हमेशा मेरे लिए वफादार रहोगे, कभी नमक हरामी नहीं करोगे। महेश जयंती लाल के लिए काम करने लगता है। जयंती लाल को एक मेहनती और वफादार आदमी चाहिए था, जो कि उसे मिल गया। महेश को भी अब एक उम्मीद मिल गई थी। ऐसे ही करीब एक महीना बीत जाता है। वाह, क्या बात है महेश, तुम सारा काम बहुत जल्दी सीख गए। जैसे मुझे तुमसे उम्मीद थी वैसे ही तुमने काम किया। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारा एक महीना पूरा हो गया, ये लो तुम्हारा पहला वेतन, खुश हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। एक बार मैंने इस प्यासे को पानी क्या पिला दिया, इसने मेरे सारे दुखों को अपना बना लिया। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने उसूलों पर पक्का रहूं और कभी इस भले आदमी से गद्दारी न करूं। क्या हुआ महेश, तुम क्या सोच क्या रहे हो? जी जी कुछ नहीं। महेश का परिवार अब बहुत खुश था और कुछ दिनों के बाद महेश की पत्नी एक बेटे को जन्म देती है और उनके बेटे का नाम संजय रखा जाता है। एक समय था जब हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं था। अगर जयंती लाल जी हमें सहारा नहीं देते तो हमारा परिवार खत्म हो जाता और हमारा पुत्र भी इस दुनिया में दुख के साथ जन्म लेता। हाँ, उनकी कृपा से अब सब सही है। भगवान करे मेरे दिल में कभी नमक हरामी करने का भाव पैदा न हो, मैं हमेशा ईमानदारी से उनके लिए काम करता रहूं। कई साल बीत जाते हैं। महेश का बेटा संजय 12 वर्ष का हो चुका था। महेश ने इन सालों में जयंती लाल का व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। बहुत बढ़िया, इस साल व्यापार काफी अच्छा चल रहा है और महेश तुम हमेशा की तरह बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हें 12 साल हो गए काम करते करते, तुमने हिसाब में 1 रुपए की भी गड़बड़ी नहीं की। शाबाश, गर्व है तुम पे मुझे। जी, मेरी ईमानदारी ही तो मेरी पहचान है। जयंती लाल और महेश बात कर रहे होते हैं, तभी एक नौकर आता है और कहता है, सेठ जी छोटे भैया का पत्र आया है, वो आज ही घर वापस आने वाले हैं। क्या, अरे 15 साल के बाद मेरा भाई आखिरकार घर वापस आने वाला है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। सुनो,
इस घर की पूरी साफ सफाई कर दो, सारी व्यवस्था कर दो, बहुत सारे पकवान बनाओ, अरे 56 भोग बनाओ, अरे मेरे भाई की स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तैयारी करो। जी सेठ जी, जैसा आप कहें। मैं इतने सालों से अपने लिए काम कर रहा हूँ और आज मुझे पता चला कि आपका कोई भाई भी है। और तो और उससे भी ज्यादा जो बात मुझे हैरान कर रही है वो ये है कि वे 15 साल बाद क्यों वापस आने वाले हैं। क्या बताऊं महेश, मेरा भाई चौरंगी लाल सालों से मुझसे नाराज था। असल में बात कुछ ऐसी है कि मेरे पिताजी अपना व्यापार अपने दोनों बेटों में बराबर बांटना चाहते थे, लेकिन क्या है ना कि चौरंगी लाल की नशे की लत के कारण पिताजी ने सिर्फ मुझे अपना व्यापार दिया। अब चौरंगी लाल को लगा कि पिताजी उसे प्यार नहीं करते, इसीलिए उसे व्यापार नहीं दिया। बस तब से वो नाराज हो गया और घर छोड़कर चला गया और शहर में जाकर रहने लगा। अब आज आखिरकार वो वापस आ रहा है, लगता है कि उसका मन बदल गया है। अच्छा, तो ये बात है। चलो अच्छा है, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि आप दोनों भाई खुशी से एक साथ रहने लगो। चौरंगी मेरे भाई, आजा। अरे तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर? आजा। हाँ बस भैया, समय का फेर है, आखिरकार मैं आ ही गया घर वापस। हाँ, तुम्हारी नशे की लत छोटी की नहीं छोटी? हाँ भैया, नशा करना तो मैं सालों पहले छोड़ चुका हूँ। चलो बहुत अच्छा, सुनकर अच्छा लगा। अब सब पुरानी बातों को भूलकर हम दोनों भाई साथ साथ रहेंगे और एक नई शुरुआत करते हैं। क्यों चौरंगी, सही है ना? नई शुरुआत करते हैं, कैसे भूल जाऊं पुरानी बातें। मैं जयंती, मुझे आज भी याद है कि कैसे मेरे बाप ने मेरे हिस्से की जायदाद तुझको दे दी और आज मैं वही जायदाद तुमसे वापस लेने आया हूँ। अरे इतनी गहरी सोच में कहाँ डूब गए भाई, आखिर तुम क्या सोच रहे हो बताओ, कोई समस्या है तो बताओ। अब कुछ नहीं भैया, बस आपको देखकर पुराने दिन याद आ गए। आप सही कह रहे हैं, हमें सब कुछ भूलकर हम दोनों को साथ साथ नई शुरुआत करनी चाहिए। बहुत अच्छा कहा आपने। कई दिन बीत जाते हैं। चौरंगीलाल बड़े ध्यान से सब कुछ देख रहा था जयंती लाल के व्यापार के बारे में, वो तो बस सही मौके का इंतजार में था। एक दिन जयंती लाल अपने घर के पास मौजूद बगीचे में देखता है कि चौरंगीलाल किसी से बात कर रहा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि महेश ही था। जयंतीलाल चुपके से उन दोनों की बातें सुनने लगता है। तो तुम हो महेश, जो मेरे भाई के लिए सालों से काम करते आ रहे हो। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? जी हाँ, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि जयंती लाल की जायदाद के कागज कहां पर रखे हुए हैं? हाँ मुझे पता है, पर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? देखो ये व्यापार मेरा है, जयंती लाल को तो ये व्यापार धोखे से मिल गया है। अगर तुम जयंती लाल की जायदाद के कागजात मुझे लाकर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, और अगर तुम जयंती लाल का व्यापार हड़पने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें इस व्यापार में हिस्सा भी दे दूंगा। बोलो।
अच्छा, तो ये चौरंगी इसलिए यहाँ आया है ताकि मेरा व्यापार हड़प सके। हाँ तो बताओ, करोगे मेरे लिए काम? बोलो, सोचो मत, हाँ बोलो। देखिए, मुझे पता है कि ये व्यापार उन्हें धोखे से नहीं बल्कि आपके पिता ने व्यापार को बचाने के लिए उन्हें दिए थे। आपको ये नहीं मिला क्योंकि आप उस वक्त हमेशा नशे की हालत में रहते थे। आप जो काम मुझे करने को कह रहे हैं वो नमक हरामी है और मैं ये हरगिज नहीं करने वाला। देखो, एक बार फिर से अच्छे से सोच लो, ये तुम्हारे लिए अमीर बनने का एक मौका है। तुम्हें व्यापार में हिस्सा मिल जाएगा और तुम बहुत सारा धन भी कमा पाओगे। अभी तक जो तुम्हें सिर्फ वेतन मिलता है उससे तो शायद तुम्हारा परिवार अच्छे से चल भी नहीं पाता होगा। क्या होता है उतने में, इतना तो मैं यूं ही उड़ा देता हूं। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। पैसा ही पैसा होगा भाई, क्या सोच रहे हो, बोलो। आप चाहे मुझे दुनिया भर की दौलत ही क्यों ना दे दे, पर मैं सेठ जयंतीलाल जी के साथ ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैंने उनका नमक खाया है और उनसे गद्दारी मैं कभी नहीं करने वाला। चोरंगीलाल घर में आ रहा था तभी देखता है कि जयंतीलाल वहां लाठी लेकर खड़ा है। अब क्या क्या हुआ भैया, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? कुछ बात है क्या? मैंने सब सुन लिया है चौरंगी, तू नालायक यहाँ इसलिए आया है ताकि मेरा व्यापार हड़प सके। कान खोल के सुन, तू अभी के अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जा और गलती से भी इस घर में आने की कोशिश मत करना। निकल यहाँ से नालायक कहीं का, अरे निकल। ए भाई, अभी तो मैं जा रहा हूँ पर मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं हार नहीं मानूंगा। अरे तुमसे तुम्हारा नहीं अपना व्यापार लेने आया हूँ, बड़े आए मेरा व्यापार छीन रहे हो। आथू, अपना व्यापार लेके रहूंगा, वापस आऊंगा मैं, ध्यान रखना, वापस। तो महेश, मैंने उस दिन सब कुछ सुना। कैसे तुम चौरंगी के सामने कह रहे थे कि तुम मुझसे गद्दारी नहीं करोगे, सही बताऊं महेश? ये कहकर तुमने मेरा दिल जीत लिया। इतना अच्छा मुझे कभी नहीं लगा जितना वो सुनकर लगा। वाह, क्या बात कही तुम। सेठ जी, मैं कभी आपसे गद्दारी नहीं कर सकता। आपने मुझे उस वक्त मदद की जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं और मेरा परिवार तो मरने की हालत में आ गए थे। गरीबी ने हमें उस तरह से घेर लिया था और तो नमक हरामी मेरे खून में है ही नहीं। अब मेरा तुम पर विश्वास और बढ़ गया है महेश, इसीलिए अब मैं तुम्हें अब तक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देने वाला हूं। कौन सी जिम्मेदारी सेठ जी? देखो, चौरंगी लाल धमकी देकर गया है कि वो ये व्यापार मुझसे छीन कर रहेगा, इसीलिए हो सकता है कि वो कोई चोर वोर मेरे घर पे भेजे ये जायदाद के कागज चोरी करने के लिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये कागज तुम अपने घर पर सुरक्षित रखो। चौरंगी कभी सोच भी नहीं पाएगा कि ये कागज तुम्हारे घर पर है। जयंतीलाल अपनी जायदाद के कागज महेश को दे देता है और कई सालों तक वो कागज महेश के घर में सुरक्षित रखा रहता है। कुछ साल बीत जाते हैं। महेश का बेटा संजय अब 18 वर्ष का हो चुका था। एक दिन वो जयंतीलाल के बेटे नीरज के साथ घूम रहा था, तभी नीरज संजय को अपने सोने की माला दिखाता है। वाह, ये तो बहुत सुंदर माला है,
काश मेरे पास भी ऐसी एक माला होती। अच्छा, क्या तुम्हारी औकात है ऐसी माला पहनने की? देखो, बदतमीजी मत करो। सच कह रहा हूं मैं, ऐसी माला हम सेठ लोग पहनते हैं। अरे तुम्हारे पिता तो हमारे यहाँ नौकर हैं। कुछ दिन बाद तुम भी हमारे यहाँ नौकरी करोगे, और क्या? काहे इतना माला माला कर रहे हो? ये मत भूलो कि मेरे पिताजी की वजह से ही तुम्हारा व्यापार इतना आगे बढ़ पाया है, और तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी पर इतना भरोसा करते हैं कि अपनी जायदाद के कागज तक उन्हें संभालने को दिए हैं। इतनी इज्जत तुम्हारे पिता मेरे पिताजी को देते हैं, और तुम्हें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। हाँ, इज्जत करनी चाहिए। सुनो, कान खोल के देखो, तुम्हारे पिता कितने भी वफादार और विश्वसनीय क्यों ना हो, अरे हैं तो आखिरकार हमारे यहाँ के नौकर ही ना, सर पे थोड़ना बैठा लेंगे बड़े आए। तुम अपने सेठ होने का घमंड दिखा रहे हो ना, देखना एक दिन मैं तुमसे भी बड़ा सेठ बनूंगा। जाओ जाओ, बड़े आए सेठ बनने वाले, अरे जाओ तुम। नीरज और संजय की ये बातें एक आदमी पीछे से सुन रहा था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि चोरंगी लाल ही था। अच्छा, तो ये बात है, मैं इतने सालों से जयंती लाल के घर में जायदाद के कागज ढूंढ रहा था, पर कागज तो वो महेश के घर में छुपा दिए थे। ये महेश का लड़का सेठ बनना चाहता है, अब यही मेरी मदद करेगा जयंती लाल का व्यापार हड़पने में। अरे महेश, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मेरा बेटा अब बड़ा हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे भी काम पर रख लें। अरे जरूर बेटा संजय, तुम्हारे पिताजी ने कई सालों तक मेरे लिए ईमानदारी से काम किया था। अब बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी वैसे ही ईमानदारी से काम करोगे, ठीक है बेटा संजय? जी सेठ जी, मैं भी पिताजी की तरह ईमानदारी से काम करूंगा। बेटा याद रखना, हमने सेठ जी का नमक खाया है, कभी भी सेठ जी की बुराई नहीं करना, क्योंकि नमक हरामी से बड़ा कोई पाप नहीं है। नमक हरामी तो मैं करूंगा पिताजी, क्योंकि मुझे एक दिन उस नीरज को सेठ बनकर दिखाना है। मैं तो बस व्यापार सीखने के लिए यहाँ काम कर रहा हूँ। एक दिन संजय कहीं जा रहा था, तभी चोरंगी लाल उसके सामने आता है। तुम ही हो महेश के बेटे? जी हाँ, मैं ही हूँ, पर आप कौन हैं? कई साल पहले मैंने तुम्हारे पिताजी को एक मौका दिया था व्यापार में हिस्सा पाने का। हाँ, लेकिन उनके लिए नमक हरामी पाप था। अब अगर उस दिन वो मान गए होते तो तुम आज सेठ होते बच्चे। तुम अपने पिता की तरह जयंती लाल के पास नौकरी करने के लिए नहीं जाते। आप कहीं जयंती लाल जी के भाई चोरंगी लाल तो नहीं? बिल्कुल सही पहचाने बच्चे। अब जो मौका मैंने तुम्हारे पिताजी को दिया था, वही मौका मैं तुम्हें देता हूं। अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें जयंती लाल के व्यापार में हिस्सा मिल जाएगा और तुम भी सेठ बन जाओगे। बोलो जी, बताइए मुझे क्या करना होगा। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा काम। देखो, तुम्हारे घर में जयंती लाल के जायदाद के कागज रखे हुए हैं, तुम वहां पर जाओ और उन्हें लेकर आओ। बस इतना सा काम है? ठीक है, मैं ये करने को तैयार हूं। संजय अपने घर के अलमीरा से एक पेटी निकालता है, उसमें वही कागज रखे हुए थे जिसकी बात चोरंगी लाल कर रहा था। अब मैं ये कागज चोरंगी लाल को जाकर दे देता हूँ,
इससे वो जयंतीलाल का व्यापार हड़प लेगा और फिर मुझे भी व्यापार में हिस्सा मिल जाएगा। अबे ये क्या बकवास है, ये वो कागजात नहीं है जो मुझे चाहिए, ये तो सारा का सारा नकली कागज है, क्या ये? पर मेरे घर की पेटी में से तो यही कागज निकले हैं। अरे तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो संजय। चोरंगीलाल गुस्से में आकर संजय को मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से महेश आता है। तुम फिर आ गए चोरंगीलाल, तुम्हें क्या लगा बेईमानी करके तुम जायदाद के कागज हड़प लोगे? मुझे पता था कि तुम कागज चोरी करने की कोशिश जरूर करोगे, इसलिए मैंने पहले ही असली कागजात की जगह नकली कागजात रख दिए थे। असली कागजात कहाँ हैं? वो सिर्फ मुझे और जयंती लाल जी को पता है। तुमने मेरा सारा खेल चौपट कर दिया महेश। देख लूंगा मैं तुम्हें, देख लूंगा मैं एक दिन तुमको भी देख लूंगा। पढ़ाया आज मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाले थे, तुमने अच्छा नहीं किया। अभी के अभी दफा हो जाओ यहां से, वरना तुम्हें लाठी से पीट पीट कर जयंती लाल जी के पास ले जाऊंगा। पिताजी आज अगर आप सही समय पर नहीं आते तो न जाने ये मेरे साथ क्या करता। मैंने सब देख लिया बेटा, आज तेरी वजह से मेरा सर झुक गया है। पूरा गांव जिसकी वफादारी की मिसाल देता था, उसी का बेटा नमक हराम निकला, ये कितनी शर्म की बात है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे सेठ बनना था क्योंकि नीरज और मेरी बहस हो गई थी, उसके सामने खुद को साबित करना था कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। देखो बेटा, ये लालच ही इंसान से बेईमानी करवाता है। जब हम लालच के पीछे भागते हैं तो अपने आदर्शों और नैतिकता को भूल जाते हैं। हम ईमानदारी से जो कमाते हैं उसी में खुश रहना चाहिए। असली सुख मेहनत से मिलता है। किसी के साथ गद्दारी करना, चाहे वो हमारा दुश्मन ही ना हो, हमें कुछ समय के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन आखिर में हम अपना सब कुछ खो देते हैं। इसलिए हमें अपनी मेहनत पर गर्व करना चाहिए और ईमानदारी से कमाई पर संतुष्ट रहना चाहिए। सही रास्ते पर चलकर ही हम लंबे समय तक खुश रह सकते हैं।